हेलो मेरे दोस्तों, आज मेरे पास है 0810 5kg ब्रेकर मशीन। दोस्तों ये मशीन 10 से 15 दिन का मशीन है और ये 10-15 दिन कंटिन्यू चलाया गया है। और कंटिन्यू चलाने के बाद ये मशीन हमारिंग खत्म हो गया, हमारिंग नहीं हो रहा है बट बहुत कम हो रहा है। लेकिन जहाँ से ये मशीन खरीदा गया था वहाँ पे जाने के बाद कस्टमर ने गया था वहाँ पे और वो बोला है इतना ही हमारिंग होता है सारे मशीन में। लेकिन दोस्तों ये दिक्कत है, हमारिंग नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर ले। तो मेरे दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं ये हैमर पाइप जो सामने वाला पोजिशन रहता है चाटो लंकी निकाल के मैं इसका हैमर पाइप को खोल लिया और यहाँ पे हमको दिक्कत क्या है पता चल गया है। यहाँ पे देखिए ये है उसका स्ट्राइकर और मैं स्ट्राइकर को निकाल दिया और ये देखिए उसका ओवरिंग टूट गया है। ओवरिंग यहाँ से देखिए ये कट गया है ओवरिंग। ओके, तो ये दिक्कत था। लेकिन वो जहाँ से मशीन लाया गया था वो बोल रहा है कि इतना ही हैमरिंग होता है और इसके वजह से कस्टमर ने ये मशीन को 3 महीना घर में रख लिया। चलो तो अभी दोस्तों मेरे पास ये मशीन आया तो मैं इसको खोल लिया। आपके जैसे कि आपको दिख रहा है कि उसका ओरिंग खराब हो गया है। वो ओरिंग हमको चेंज करने के बाद वो ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़ा लोकल क्वालिटी का ओरिंग यूज किया गया है कि वो एक जो स्ट्राइकर में लगा है वो ब्लू कलर का ओरिंग है और यहाँ पर के पिस्टन में जो लगा है वो ब्लैक कलर का ओरिंग है। दोनों अलग अलग ओरिंग लगाया गया है लेकिन ये मशीन खोला नहीं है, पहली बार ये खोल रहा है क्योंकि मुझे ही पता चल गया। क्योंकि उसका जो एलेंकी में केमिकल लगाया गया है बहुत टाइट लगा, बहुत टाइम लगा मुझे उसको खोलने के लिए और कभी भी ये मशीन नहीं खोला है, पहली बार मैं खोल रहा हूँ। इसका मतलब है दोस्तों इसका जो स्ट्राइकर का ओरिंग बहुत लो क्वालिटी का ओरिंग यूज किया गया है तो इसके वजह से दिक्कत हो रहा है। तो हमको क्या करना है, उसको ओरिंग चेंज करना है। नॉर्मल सा चीज़ है, हम उसको कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए स्पेयर पार्ट्स तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे जाके परचेज कर सकते हो कोई भी स्पेयर पार्ट्स। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए स्ट्राइकर में जो ओरिंग लगता है वो खराब हो गया है तो हम उसको चेंज करने के। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा ट्राई कीजिए दोनों का ओरिंग चेंज करने के लिए, स्ट्राइकर और पिस्टन। यहाँ पे देखिए पिस्टन का ओरिंग खोल लिया और यहाँ पे ये स्ट्राइकर का ओरिंग खराब था, इसका उसको भी मैं खोल लेता हूँ। दोनों को हम चेंज कर लेंगे क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग करेगा। दोनों को ओरिंग चेंज कर लोगे तो दोनों एक क्वालिटी का ओरिंग हो जाएगा, जो मैं यूज करूँगा सबसे अच्छा क्वालिटी का ओरिंग यूज करूंगा। तो इसके वजह से दोस्तों मशीन बहुत लॉन्ग लास्टिंग करेगा। आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये देखिए उसका ग्रीस कैप को मैं क्लीन कर लेता हूँ क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप मशीन खोल रहे हो तो सारा चीज़ आप यहाँ पे देखिए नया मशीन है, ज़्यादा काम नहीं हुआ है तो इसलिए मैं उसको डीजल पेट्रोल किरासिन यूज करके मैं नहीं धोऊंगा क्योंकि सही है, कोई दिक्कत नहीं है तो धोने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मशीन पूरा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा जो ग्रीस वगैरह खराब हो गया तो आप जरूर उसको चेंज करके धो लीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं इसको नहीं धो रहा हूँ क्योंकि ये नया मशीन है तो थोड़ा चला लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और आवाज इस दिक्कत है तो ये ओरिंग का, एक ही ओरिंग का दिक्कत है तो दोनों ओरिंग हम चेंज कर लेंगे। अगर इस टाइप का ओरिंग चाहिए या फिर कोई स्पेयर चाहिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, साइड में दिए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दोनों ओरिंग में स्ट्राइकर में घुसा दिया और ये देखिए ये स्ट्राइकर पिस्टन में दोनों ओरिंग लगा दिया मैं। फिर अभी क्या करूँगा, उसका जो पिस्टन में निकाल के दोनों तरफ थोड़ा ग्रीस लगा के उसके कनेक्टिंग रॉड में कनेक्ट करूँगा, जो पिस्टन जो रहता है पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड में कनेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे देखिए पिस्टन पिन यूज करके मैं कनेक्टिंग रॉड में कनेक्ट कर लिया। हम ट्राई कीजिए दोस्तों, आपका जो पिस्टन पिन है वो बहुत ही मुड़ान है, वो खाया जाता है, इसके वजह से कनेक्टिंग रॉड हिलता है और इसके वजह से आपका मोटर हाउसिंग टूट सकता है, जो गियर हाउसिंग रखता है वो टूट सकता है या फिर आपका कनेक्टिंग रॉड टूट सकता है, ये जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए इसके अंदर और भी एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ऑयल डाल के उसको क्लीन कर रहा हूँ। आप अगर उसको चूड़ी निकाल लोगे तो उसके अंदर आपको उसका स्ट्राइकर पिन मिल जाएगा जो बहुत ही मुड़ान है, अगर ये जाम हो जाएगा तो मशीन हमारिंग भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये थोड़ा जाम टाइप का मुझे लग रहा है तो इसलिए मैं उसका ऑयल देके थोड़ा फ्री कर रहा हूँ, ये भी आप जरूर कीजिए, ये बहुत ही मुड़ान है तो ये करना कंपलसरी। आपको थोड़ा ऑयल डाल के नीचे और ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए और ऑटोमेटिक क्लीन हो जाएगा, आसानी से काम करेगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कनेक्टिंग रॉड जो पिस्टन में कनेक्ट किया था उसको हम फिटिंग कर लेंगे। अभी दोस्तों इस
आसान सा तरीका है, कोई भी कर सकता है। अभी दोस्तों यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने यहाँ पे ग्रीस डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रीस नहीं डाला, ग्रीस को चारों तरफ थोड़ा लगाया, और जैसे कि हम पेस्ट यूज करते हैं सुबह, तो इस टाइप का मैं ग्रीस थोड़ा चारों तरफ लगा के उसका थोड़ा ऑयल दे के, यहाँ पे देखिए ये देखिए ग्रीस यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ, यहाँ पे ग्रीस थोड़ा चारों तरफ लगा लेना, क्योंकि स्ट्राइकर ऊपर नीचे होने में आसानी हो, सही परफेक्ट काम करेगा, तो इसलिए थोड़ा ऑयल भी मैं दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रीस मैं नहीं दिया हूँ। ओके, ग्रीस थोड़ा मैं लगा के चारों तरफ लगा दिया। तो ग्रीस कहाँ पे देना है ये बहुत बड़ा, यहाँ पे अगर ग्रीस दे दोगी तो मेसन बिल्कुल भी हमारी नहीं करेगा। आपको ये यहाँ पे थोड़ा ग्रीस लगाना है, ग्रीस लगाने के बाद स्ट्राइकर को आपको यहाँ पे घुसाना है। देखिए स्ट्राइकर को हमको ऐसे ही लगाना है, जैसे कि ओरिंग ऊपर तरफ रहेगा और प्लेन नीचे तरफ रहेगा, ओरिंग जहाँ पे लगा रहे हो वो ऊपर तरफ, और यहाँ पे ये ग्रीस देना है। और यहाँ पे ये जो ग्रीस दे रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे आपको ग्रीस देना है। उससे पहले अगर आपको ग्रीस दे रहे हो आप, अगर आप ग्रीस दे रहे हो तो हमारी नहीं होगा, तो जरूर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं स्ट्राइकर को लगाने के बाद, यहाँ पे स्ट्राइकर के लगाने के बाद मैं ग्रीस दिया, फिर यहाँ पे हम उसको फिटिंग कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे फिटिंग कर ली, आप कोई भी पोजीशन में उसको लगा सकते हो, घुमा के भी लगा सकते हो। ओके, अभी हमको क्या करना है, चार एलेंकी स्क्रू जो रहता है उसको टाइट कर लेंगे, इसको भी परफेक्टली टाइट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको वीडियो को थोड़ा स्पीड करके कर लेता हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगा हमारा। तो दोस्तों ये जो मशीन है 0810 ये बहुत चलने वाला मशीन है। तो यहाँ पे लगभग ये रेडी हो चुका है, चाटो उसको परफेक्टली टाइट कर लेंगे ताकि आगे ये ना निकले। बहुत ही मोटा होता है, अगर आप उसको ढीला कर लोगे तो ये निकल के तो मशीन को खराब कर लेगा। तो हमेशा ट्राई कीजिए आसान से टाइट करने के लिए, नहीं तो आप केमिकल वगैरह यूज करके उसको टाइट कर सकते हो। लेकिन केमिकल यूज करने के बाद क्या होता है ना, कभी कभी आप बहुत टाइट हो जाते हैं, इसके वजह से आपको हीट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये आप आसानी से इसको टाइट कर लीजिए, परफेक्टली ये रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका चूड़ी खराब है तो वो अलग बात है। ओके, यहाँ पे देखिए ये टाइट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्रीस भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इतना ही ग्रीस देना चाहिए। अगर यहाँ पे ज़्यादा ग्रीस दे दोगे तो उसमें जो कनेक्टिंग रॉड, उसका जो क्रैंकशाफ्ट, वो घूमने का जगह नहीं रहेगा, इसके वजह से बहुत सारा चीज़ खराब हो सकता है। यहाँ पे ग्रीस दिया जाता है, आप यहाँ पे जितना भी ग्रीस दोगे हमारी का कोई इंप्रूव नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बताया था, स्ट्राइकर और पिस्टन के अंदर ग्रीस दोगी, सेंटर में ग्रीस दोगी तो हमारिंग बढ़ेगा। यहाँ पे उसका क्रैंकशाफ्ट घूमता है, कनेक्टिंग रॉड घूमता है, उसलिए ग्रीस दिया जाता है। अभी हम इसको ग्रीस कैप को टाइट कर लेंगे। आप चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे ये चैनल में मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए टाइट कर लेता हूँ मैं ये, अभी ये रेडी हो चुका है। थोड़ा मशीन को चला लेंगे और देखेंगे क्या साउंड है, कैसा है, हार्मोनिक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चेक कर लेंगे। आप चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मशीन को थोड़ा चालू कर लेते हैं, थोड़ा क्लीन भी कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक काम करते हैं, उसका हैंडल जो रहता है वो लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हैंडल को लगाना बहुत आसान है, अगर आपको चाहिए वीडियो हैंडल के ऊपर, क्योंकि देखिए मिस्त्री तो लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो काम करते हैं वो थोड़ा दिक्कत होता है उसमें हैंडल लगाने वगैरह। तो अगर उनको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल सही हमारिंग हो रहा है और कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल में हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट चाहिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है ऊपर में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जाके कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।